लेता हूँ मैं, क्योंकि फिर बेटा और भी काम मेरे को करने होते हैं। तो हम जो है बेटा, ये इस पे थे डेराइव्ड यूनिट्स पे। डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? फंडामेंटल यूनिट्स सात बताई थी, और फिर जो है दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बताई थी, रेडियन और स्टेरेडियन। और इसके अंदर जो है आपकी जो है सात उसकी फंडामेंटल यूनिट्स थी आपकी, जिसमें मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये याद भी होने चाहिए बेटा। क्या क्या है तन्नू बताना एक बार। फंडामेंटल यूनिट, हाँ, लेंथ, मास, हाँ, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, ये तो फंडामेंटल। हाँ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी, ठीक है, शाबाश। और दो ये थे रेडियन एंगल, हाँ, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब सात प्लस में दो, ये कितनी होगी? नौ होगी। इन नौ से जो यूनिट्स निकलेंगी उनको हम बोलते हैं बेटा डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेंथ। लेंथ क्या हो गया? ये मीटर। और टाइम जो है क्या हो गया? सेकंड। तो इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकंड, ms-1, या मीटर पर सेकंड ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये मीटर पर सेकंड है, तो ये ड्राइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये किन से निकली हुई है? लेंथ और टाइम से निकली हुई है। तो इस तरह की जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जितने भी आपके फिजिक्स के फार्मूले हैं वो सारे के सारे ही नौ जो ये यूनिट्स हैं बेटा, इनसे जो है वो बने हुए हैं। तो हमें यहाँ इसकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो व्हाट आर द ड्राइव्ड यूनिट्स? दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ड्राइव्ड, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी हैं उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, और उनकी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ड्राइव्ड यूनिट्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी है, एक्सलेशन है। एक्सलेशन क्या होता है बेटा? फोर्स है।
वर्क एटसेट्रा। तनु क्या होता है बेटा ये? एक्सेलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कितना डिस्प्लेस हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट, और कितना टाइम लिया उसने डिस्प्लेस होने में। तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेटा। हाँ, तो ऊपर आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, डिवाइडेड बाई टाइम। तो वेलोसिटी की क्या थी? मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे टाइम फिर क्या आ गया? सेकेंड। तो क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, यानी कि एम एस माइनस टू, ऐसे लिखते हैं इसको हम, या मीटर पर सेकेंड एस स्क्वेयर, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद फोर्स। फोर्स क्या होता है? नाइन्थ में आते हैं बेटा ये, वेलोसिटी भी आती है, एक्सेलरेशन भी आता है। फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? हिंदी में वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बेटा? वेग। हिंदी में एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? त्वरण। फोर्स को क्या बोलते हैं? बल। इसकी दो डेफिनेशन है, एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने की कोशिश करता है। फोर्स इज ए, दोनों लिख देता हूँ मैं, फोर्स इज ए पुल और पुश विच चेंजेज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज। जैसे हमने दीवार दिखाई, उस खिसकी नहीं है, तो वो एक कोशिश है, ट्राइज टू चेंज। और बदल देते हैं, बॉल को पकड़ के फेंक दिया, उसकी डायरेक्शन बदल दी, स्टेट बदल दी, तो वो चेंज हो जाता है। तो फोर्स जो है वो क्या होता है? पुल और पुश होता है, विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ट्राइज टू चेंज द स्टेट। न्यूटन ने कहा आकर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसका मास, एम वी बोलते हैं इसको हम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स होता है ना, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मान लेते हैं पहले तो मोमेंटम उसका u वेलोसिटी थी, फोर्स लगा दिया हमने, उसकी वेलोसिटी v होगी। तो पहले मोमेंटम कितना था? मान लेते हैं m उसका मास था, मास इज द मैटर कंटेंड इन द ऑब्जेक्ट। पहले मास था, पहले जो है मोमेंटम कितना हो गया? मोमेंटम क्या होता है? संवेग, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग। मास इंटू वेलोसिटी, एम गुणा में यू। और बाद में क्या हो गया? एम वी। टाइम कितना लिया? टी। तो जो है मोमेंटम में चेंज कितना हुआ?
फाइनल माइनस इनिशियल एम वी माइनस एम यू टाइम टेकन टी, ये क्या हो गया आपका फोर्स हो गया, एम बार आ गया वी माइनस यू बाई टी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम क्या होता है एक्सेलेरेशन, तो एम में हो गया। तो फोर्स जो है न्यूटन ने बताया वो क्या होता है एम में, आपका इक्वेशन ऑफ मोशन जो चैप्टर आएगा उसमें आएगी गई बात। तो यहाँ हम बता रहे हैं फोर्स क्या होता है, फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलेरेशन आ गया, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी, मास की क्या होती हैं किलोग्राम, एक्सेलेरेशन की क्या होती हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी क्या हो जाएंगे बेटा के एम एस माइनस टू, किलोग्राम मास केजी लिख लें हम इसको, केजी मास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स की होगी। वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है बेटा, किया गया कार्य, कोई भी बताए मेरे को, मेनासी और ने ज्वाइन कर लिया ना तो बेटा बहुत जो है ना फिजिक्स का तीसरा लेक्चर चल रहा है, आप लेट हो, क्यों ज्वाइन नहीं किया पहले, अच्छा तो ठीक है काम कर लेना वो। तनु बता बेटा वर्क डन क्या होता है, वेरी गुड, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये कल भी बताया था मैंने। तो फोर्स आपका एफ हो गया और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस एस होगी, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है, ये दसवीं तक बताया जाता है, ये एक ही केस बताया जाता है जब फोर्स लग रहा है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ऐसा भी हो सकता है फोर्स हमने इधर लगाया डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगी, तो ये केसेस हमने अब स्टडी करने हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की क्या यूनिट्स आई थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब डिस्टेंस की क्या हो जाएगी बेटा इंटू मास मीटर और हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट्स, इनको हम डिराइव्ड यूनिट्स बोलेंगे क्योंकि ये फंडामेंटल किलोग्राम मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, दूरी लेंथ जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम जो है वो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इनसे जो निकल के यूनिट्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी और वर्क जो है होता है बेटा उसकी जो है वो एक यूनिट्स होती हैं। अब फंडामेंटल यूनिट्स जो है आपकी ये सात थी बेटा, तो सातों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी में है आप वहाँ से भी उतार सकते हो, एक मैं लिख देता हूँ जैसे किलोग्राम की है, एक किलोग्राम को हम वन किलोग्राम, मैंने बताया था फिजिक्स में क्या करना पड़ता है, फिजिक्स में पहले तो कंसेप्ट होती है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आगे जो है नहीं बताऊँगा मैं अभी, क्योंकि यू विल गो थ्रू द प्रोसीजर तो अपने आप समझ जाओगे उस बात को। तो एक तो होता है कंसेप्ट परिभाषा उसकी, दूसरा यूनिट्स, तीसरा वन यूनिट, उसकी वन यूनिट को डिफाइन करना, चौथा डेरिवेशन, पांचवा स्पेशल केसेस और छठा एप्लीकेशंस, बस। तो यहाँ हम कंसेप्ट पे चल रहे हैं, और जैसे अब मास जो है वो फंडामेंटल हमारे पास क्वांटिटी थी और उसकी जो यूनिट है वो हम किलोग्राम में मापते हैं उसको, तो किलोग्राम एक वन किलोग्राम क्या होगा, तो ये सारी की सारी जैसे वन मास को हम किलोग्राम में मापते हैं, फिर दूरी को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मापते हैं, और इल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापते हैं, करंट को एम्पियर में मापते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मापते हैं। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए बेटा, तो इनकी वन यूनिट डिफाइन करेंगे हम, वन किलोग्राम क्या है, ए सिलेंड्रिकल
प्रोटोटाइप मास, मेड ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम, इरिडियम अलॉय, मिश्र धातु होती है ये। ऑफ हाइट, उसकी हाइट कितनी है सिलेंडर की, 39 mm, मिलीमीटर, 39 मिलीमीटर। एंड डायमीटर, डायमीटर जो है उसका वो भी कितना है, 39 मिलीमीटर। और इट इज द मास, दूसरे शब्दों में इट इज द मास ऑफ 5 × 0188, 0188, 10^23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब दो तीन बातें हैं समझने की, और ये कहाँ रखा हुआ है, दिल्ली रखा हुआ है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में, हर देश की राजधानी में होता है ये। एक सिलेंडर होता है बेटा ऐसा, जिसकी हाइट कितनी है, 39 मिलीमीटर, जिसका डायमीटर है वो भी कितना है, 39 मिलीमीटर, और किसका बना हुआ है ये, प्लेटिनम प्लस में इरिडियम, दो ये धातुएं हैं। तो इसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है। और भी बोला है इसने, अब 5.0188 × 10^20 कार्बन, क्या कार्बन ही क्यों लिया शुरू में, जो क्योंकि एटम्स का मास जो है ना बेटा वो बहुत कम होता है, एक सुई की नोक पे लाखों परमाणु आ सकते हैं, एटम आ सकते हैं। तो सबसे छोटा तो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रोटॉन होता है एक, न्यूट्रॉन नहीं होता, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो लगभग सेम होता है, तो इसलिए इसको आइडियल नहीं लिया गया। सबसे सुइटेबल क्या माना गया, कार्बन माना गया, जिसमें 6 तो प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, बैलेंस्ड होता है ये। 6 और 6 कितने हो गए, 12। तो कहता है इसके एटम को अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट आ जाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। क्योंकि वो एक ही आ जाएगा, और उसमें प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, तो सिमिट्री रहेगी। और 6 पॉइंट, अब इसका जो 12 ग्राम होता है, जो 12 ग्राम होता है, एवोगैड्रो नंबर आएगी आगे, तो एवोगैड्रो नंबर से मैं ये समझाऊंगा अब ये जो है इतना क्यों लिया गया, क्योंकि फिर ज़्यादा वो डेफिनेशन रह जाएंगी, तो मैं उसको समझाऊंगा। दूसरा है बेटा 1 मीटर। अब 1 किलोग्राम जिसके समझ में, जैसे मान लेते हैं कोई झगड़ा करता है कि 1 किलोग्राम का बट्टा नहीं है, कम है, तो कहाँ नापेगा उसको, जाके नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में लेके जाएगा और इससे जो है उसको कंपेयर करेगा। 1 मीटर, 1 मीटर क्या होता है, ये एक डंडा है इसका, इसको 1 लिख लेना ताकि कन्फ्यूज ना हो कोई। हाँ बेटा अब भी नहीं आ रही, कौन बोल रही बेटा, रवीना बेटा अपना दोबारा ज्वाइन कर ले, मेरे ख्याल में यहां से तो क्लियर है, एक बार क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर ले। अब औरों को क्लियर दिखाई दे रहा है, हाँ
हाँ तो वो रहा हूँ, क्लियर दिख रहा है बेटा? कोई आपके फोन में या नेट में कोई प्रॉब्लम है? तो 1 मीटर क्या है बेटा? 1 मीटर इज द डिस्टेंस दैट कंटेन्स वन सिक्स फाइव 0763 पॉइंट 73 वेवलेंथ्स रवीना, आप साफ दिखे बेटा? ऑफ ऑरेंज रेड लाइट, ऑफ क्रिप्टॉन 86। देखो पहले तो क्या था, 1 मीटर प्लेटिनम इरिडियम का ही जो है एक रोड होया करती, जिसकी लंबाई 1 मीटर डिसाइड की गई और उसको एक फिक्स टेम्परेचर पे रखा गया था, वो भी कहाँ, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। लेकिन जैसे जैसे खोज होती गई, नई नई बातें सामने आती, नए नए जो है ना इन्वेंशन होती, रिसर्च होती, तो ये कंसेप्ट जो है ना ये भी मॉडिफाई होती गई और मीटर की जो है ये रहेगी। अब वेवलेंथ को समझना जरूरी है, वेवलेंथ क्या होती है? तरंग दैर्ध्य जो होती है वेवलेंथ, बताओ बेटा अगर आपने सुना है कहीं भी। वेव ये होती है मीन पोजीशन पे ये वाइब्रेट करती रहती है, ये तो पता होगा, वेव का पता है ना बेटा? ये वेव का मतलब तरंग लहर। पानी में पत्थर फेंक देते हैं हम तालाब वगैरह में, तो भी वेव ही बनती है। ये समझ आ गई बात? वेव है ये, देखी होगी, ये जो ऊंचे पॉइंट हैं इनको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। नीचे वालों को क्या बोलते हैं बेटा? टर्फ। समझ लो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये आगे आने वाले चैप्टर के लिए भी। यहां भी वेव दो तरह की होती है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव, जैसे लाइट वेव आती है जो सूर्य का प्रकाश है, और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल, जो आगे पीछे धक्का मार मार के चलती है, जैसे साउंड वेव है। इसमें पार्टिकल्स डेंस होते हैं वो कंप्रेशन होता है, जहाँ छिदे छिदे होते हैं वो रेयर फ्रैक्शन होता है। जैसे इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं? कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते हैं। तो जो ट्रफ होता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट, ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है? वेवलेंथ होती है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव ट्रफ्स ये भी वेवलेंथ होती है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। और यहां से यहां तक आने में एक साइकिल पूरा होता है, यहां से एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक आने में एक साइकिल पूरा होता है, तो जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, कैपिटल टी। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टू डिस्क्राइब वन कंप्लीट साइकिल, एक पूरा चक्कर
लगन में जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, और नंबर ऑफ कंप्लीट साइकल्स इन वन सेकेंड वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता जिसको हम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितने पूरे चक्कर बने, टी सेकंड्स में तो कितने बने, एक, एक सेकंड में कितने बनेगा, वन बाई टी, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, म्यू इज इक्वल टू वन बाई टी। एक होती है स्पीड ऑफ वेव, स्पीड क्या होती है, अभी वेलोसिटी बता रही तन्नु, वेलोसिटी क्या होती है बेटा, आवाज आ रही बेटा, गुड़िया मेरी आवाज आ रही है, किसी को सुन रही है कि नहीं सुन रही, हाँ तो स्पीड ऑफ, स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस यहां पे तुम देखोगे लैम्डा डिस्टेंस हुई वेवलेंथ, और टाइम कितना लगा था इसका, कैपिटल थी, तो लैम्डा बाई टी हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, और वन बाई टी को हम क्या लिखते हैं, म्यू, तो लैम्डा म्यू, तो ये दो रिलेशन बहुत यूज होते हैं, वी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी और v इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, वेवलेंथ गुणा फ्रीक्वेंसी वेव के मामले में। तो वेव का बेसिक कंसेप्ट ये है, पहले तो वेव किस फॉर्म में चलती है, इस फॉर्म में, जो हाईएस्ट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजिशन, एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन, और ये जो है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहाँ आ रहा है कंजक्टिव, इनको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स को क्रस्ट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट्स को ट्रफ्स, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट, लगातार दो क्रस्ट के बीच का अंतर क्या होता है, वेवलेंथ, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव ट्रफ्स जो है वो क्या होता है, वेवलेंथ, और एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज द टाइम टू डिस्क्राइब वन कंप्लीट साइकिल, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स इन वन सेकंड। तो यहाँ पे क्या कहता है, ये जो क्रिप्टॉन 86 है, इसकी, इसमें से एक लाइट निकलती है, और उस लाइट का कलर कैसा है, ऑरेंज रेड मिक्सर है। तो कहता है उसकी वेवलेंथ को लैम्डा जो है उसकी, उनको जोड़ लिया, और कितनी बार जोड़ा, वो है 1650763.73, इतनी जो है ना उसकी वेवलेंथ जोड़ी, तो ये किसके बराबर आ गया, एक मीटर के बराबर आ गया। तो इसमें तो कहे कि जान की जरूरत नहीं, ना दिल्ली जाने की जरूरत, ना फ्रांस में, सिरस फ्रांस में जो है लेबोरेटरी है वहाँ जाने की जरूरत, इंटरनेशनल किलोग्राम के बट्टे लेंथ वेंथ ये सारी उड़े धरी हैं फ्रांस में, और भारत में कहाँ रखी हैं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में, किसी ने शक हो मीटर सही ना है तो मिला के देख लो वहाँ, लेकिन EBNU का है मीटर की तो किधर जाने की जरूरत नहीं, क्यों, ये कहता है जो क्रिप्टॉन 86 है उसमें से जो ऑरेंज रेड लाइट निकलती है उसकी वेवलेंथ को जोड़ लो, इतनी वेवलेंथ जो है वो किसके बराबर होंगी, एक मीटर के बराबर होंगी। ये होता है बेटा एक एक यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया है, तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, बट जो समझाया जा सकता है बेटा मैं वो समझा रहा हूँ, हालांकि ये ज़्यादा टाइम लग रहा है समझाने में, नहीं तो मोटा मोटा भी करवा के जो है हम एक तरफ हो सकते हैं, लेकिन मेरी आदत नहीं।
मैं उस चीज़ को बारीकी से समझाता हूँ, कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा। प्लस वन में जो टाइम होता है वो समझने के लिए होता है। अब है बेटा वन सेकंड को अब तक तुमने सुना होगा, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, लेकिन यूँ नहीं बेरा, एक सेकंड कितना होगा? तो क्या होता है, 1 सेकंड इज द टाइम इन विच सीजियम एटम वाइब्रेट्स नौ एक नौ दो सौ तिरसठ 1770 टाइम्स इकाई दाई सैकड़ा हजार लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 91 अरब 92 करोड़ 63 लाख 1770 बार इन एन एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक क्या होता है बेटा, देखो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सीजियम क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी निकलता है। तुमने पीरियोडिक टेबल देखी होगी ना, सबसे ऊपर हाइड्रोजन होता है पहले डे उसमें ग्रुप में, फिर लिथियम होता है, सोडियम, सीजियम लास्ट में होता है, या सीएस। इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाता है, ये हाईली मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, और इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे सेल होते हैं और फिर आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ऑलमोस्ट फ्री होता है। ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जाती है। तो क्या होता है, और पानी को हम उबालते हैं तो पार्टिकल्स जो है वो उछलने लग जाते हैं ना, देख उबलते होंगे जब तुम देखते होगे, क्यों होता है वो, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे, और जब हम उनको गर्म करते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है वाइब्रेशन की, और वो इतने वाइब्रेट होने लग जाते हैं कि वो उस मेटल सरफेस को या वाटर सरफेस को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो 1 सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड इज द टाइम, वो टाइम होता है इन विच सीजियम एटम वाइब्रेट्स इतनी बार। जो सीजियम एटम होता है ये एटम्स वाइब्रेट करते रहते हैं इन एन एटॉमिक क्लॉक। जो एटॉमिक क्लॉक होती हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, जो एटम्स वाइब्रेट करते हैं उनके ऊपर, और टाइम बताती हैं ये। तो उस क्लॉक में जब सीजियम एटम इतनी बार वाइब्रेट करेगा तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, 1 सेकंड कहेंगे। फोर्थ है 1 केल्विन। 1 केल्विन टेम्परेचर कितना होगा, 1 केल्विन इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट ऑफ वाटर। ये जो होता है बेटा वाटर होता है, इसमें जो है हमारे पास जो केल्विन होता है, ये वैसे तो क्या लिया जाता है, 273 लेते हैं हम, 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, लेकिन वो 273 नहीं होता, वो 273 पॉइंट एक्चुअल में 1.6 होता है। केल्विन इज इक्वल टू
0°C। तो हमारे पास जो है 1 केल्विन क्या होगा, इज द 1/273.16 पार्ट ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स टेम्परेचर। थर्मोडाइनमिक्स क्या होती है बेटा, नाम से ही क्लियर होते हैं ये सब चीजें, आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन नाम से। थर्मो का मतलब गर्म करना, डायनेमिक्स का मतलब मूवमेंट। थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, पार्टिकल्स को हम जैसे पानी को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, तो इस तरह से जो मूवमेंट होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ द ये इसमें जो है मिसप्रिंट है बुक में जो है वो बताते हैं। और आपकी बुक है ना बेटा, मैं बताना चाहूँगा इसमें पीछे जो है फार्मूले हैं उनके ऊपर डायमेंशनल जो एनालिसिस होगा वो हमने जो है जब पढ़ेंगे उसमें डायमेंशंस का जो है +1 +2 में बहुत अहम रोल होता है। और जब हम जो है डायमेंशंस को पढ़ना शुरू करेंगे तो उस चैप्टर की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि जो है वो फार्मूले सारे के सारे आपकी सारी की सारी जो फिजिक्स है वो उसके में जो है वो दोहराई जाती है एक किस्म से। तो 1 केल्विन क्या होगा बेटा, इज द SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट दिया हुआ है, इसमें भी जो कॉन्सेप्ट है और जो ये इन प्री पॉइंट इसमें है ना बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये कोई फ्रीजिंग पॉइंट होता है या कोई ऐसा होता है, इसमें पूरा जो है क्लियर नहीं है। जैसे पॉइंट ऑफ वाटर, अब ये जो पॉइंट है ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका 0 होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है उससे रिलेटेड जो है ज़्यादा मिलेगा ये, लेकिन इसमें क्लियर नहीं है तो इसको हम बाद में देखेंगे 1 केल्विन को। उसके बाद है कंडेला, 1 कंडेला क्या होगा, कंडेला किसकी होती है यूनिट बेटा, लुमिनस इंटेंसिटी। तो 1 कंडेला इज इज 1/60 लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ एन of an ideal source by an area of centimeter square when source is is at melting point of platinum। देखो बेटा अब आवाज आ रही है, पहले तो आवाज कंफर्म करो। हाँ सुनो, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी जो होती है ना बेटा वो नंबर ऑफ जो है ना ये रेज होती है पर यूनिट एरिया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया जो होगा है उसमें
1/60 ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, उस एरिया में से कितनी लाइंस निकल रही हैं उनको हम काउंट करते हैं, तो वो जो है क्या कहलाती है, इंटेंसिटी कहलाती है। तो ये कहता है प्लेटिनम का जो है मेल्टिंग, मेल्ट कर दिया हमने, मेल्ट करने से क्या होगा, इससे रेडिएशंस निकलेंगी, जो लाइट वेव्स निकलती हैं, तो उनमें कहता है 1 cm² में, 1 cm² एरिया के अंदर जो इसकी इंटेंसिटी होगी उसको 1/60 से डिवाइड कर देंगे।